अगर आपके घर पर पुराना इन्वर्टर बैटरी का सेटअप है और आप सोच रहे हैं कि नया सोलर पैनल सिस्टम अपने घर पर लगवाएंगे, तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या हम पुरानी बैटरीज यूज कर सकते हैं। तो आप यूज बेशक कर सकते हैं, लेकिन उनमें आपको ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि जो सोलर बैटरीज होती हैं उनमें हल्का सा एक फर्क होता है, वो फास्ट चार्ज होती हैं। जो नॉर्मल आपकी बैटरीज होती हैं स्लो चार्ज होती हैं, तो दिन में आपकी बैटरी जो है वो फुल चार्ज हो नहीं पाएंगी, तो रात को आपको बढ़िया बैकअप नहीं मिल पाएगा। तो बढ़िया ऑप्शन तो यही है कि आप सोलर बैटरीज पर मूव कर लीजिए, लेकिन आप पुरानी बैटरीज भी यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं मिलेगी। अब सोलर बैटरीज के मामले में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि सोलर बैटरीज सोलर पैनल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक सोलर पैनल प्रोजेक्ट में। सोलर पैनल तो आपने छत पर लगाए, एक बार लगा दिया 25 साल तक आप टेंशन फ्री हो गए, उनकी परफॉर्मेंस जो है आपको बढ़िया मिलती रहेगी। लेकिन जो सोलर बैटरीज होती हैं उनमें आपको 3 साल या 5 साल की वारंटी वाली बैटरीज मिलती हैं, उससे 1-2 साल ऊपर आप उनकी लाइफ मान लीजिए, यानी कि ओवर द पीरियड 25 साल में लगभग 2 बार और आपको सोलर बैटरी चेंज करनी पड़ेंगी। तो वो काफी कॉस्टली होती हैं, पहली काफी कॉस्टली होती हैं, 2 बार और आपको चेंज करनी पड़ेंगी, तो इसका मतलब वो कॉस्ट जो है ओवरऑल वो सोलर पैनल से ज्यादा पड़ जाती है पूरे प्रोजेक्ट में। तो सोलर बैटरीज आपको काफी सोच समझ के लेनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि यार बैटरीज खरीदते समय क्या क्या चीजें देखें। दुकान पर जाते हैं, जो दुकानदार बता देता है वही ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप कोई भी सोलर बैटरी अपने घर पर ला सकते हैं। दूसरी चीज, मैं आपको कुछ ब्रांड्स भी बताऊंगा उनकी जो सोलर बैटरीज मार्केट में अवेलेबल हैं, किस प्राइस रेंज में अवेलेबल हैं, क्या क्या फीचर्स के साथ अवेलेबल हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सोलर बैटरीज समझ लेते हैं। पहले तो लेड एसिड बैटरीज ही मार्केट में अवेलेबल थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से लिथियम बैटरीज भी आपको सुनने को मिलती हैं। तो इनमें डिफरेंस देख लेते हैं एक बार, क्या क्या डिफरेंस है। तो लेड एसिड बैटरीज में भी 2 टाइप होते हैं, एक होती है फ्लैट प्लेट और दूसरी होती है टॉल ट्यूबुलर। फ्लैट प्लेट वाली में फायदा यह है कि वो थोड़ी सस्ती पड़ती है, लेकिन उनकी दिक्कत यह है कि वो स्लो चार्ज होती है और छोटे छोटे पावर कट्स के लिए बनी होती है। लेकिन अगर आपको लंबे पावर कट के लिए चाहिए, मतलब पूरी रात अगर आप बैटरी पर बैकअप चलाना चाहते हैं, तो टॉल ट्यूबुलर बैटरी वहां पर बेस्ट रहती है। दूसरी बात, ये फास्ट चार्ज होती हैं, तो इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर सोलर प्रोजेक्ट्स में टॉल ट्यूबुलर बैटरीज का ही यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि लिथियम बैटरी में क्या क्या अलग है। तो लिथियम बैटरी की सबसे पहले जो लाइफ साइकिल है वो लेड एसिड बैटरी के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होती है, यानी कि इनकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है लेड एसिड बैटरी के मुकाबले। दूसरा, ये मेंटेनेंस फ्री होती है। लेड एसिड बैटरी में हर कुछ महीनों में आपको वाटर डालना पड़ता है, इनमें कोई मेंटेनेंस नहीं, एक बार आप लगाइए भूल जाइए, सफाई करनी है, कपड़ा मारना है, धूल झाड़नी है, वो आपका काम है, बाकी इनमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। तीसरा, इनका वेट काफी हल्का होता है। लेड एसिड बैटरी आपने देखी होंगी काफी हैवी होती हैं, उनको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखने में एक आदमी का काम तो नहीं है, 2 बंदे तो कम से कम लगते हैं, और जितनी ज्यादा बैटरीज हैं उतनी ज्यादा आपकी मेहनत बढ़ जाती है। लेकिन लिथियम बैटरी काफी हल्की होती है, एक ही बंदा उठा सकता है, और ये एक ही बैटरी 2-3 लेड एसिड बैटरी का काम कर देती है, तो इसलिए लिथियम बैटरी की जो डिमांड है वो मार्केट में बढ़ती जा रही है। दूसरा, इसमें यह भी है कि क्योंकि एसिड का यूज नहीं होता, तो वहां पर एसिड की वजह से जो तकलीफ आपको लेड एसिड बैटरी में मिलती है वो लिथियम बैटरी में नहीं मिलती, ना कोई हार्मफुल गैसेस निकलती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक लिथियम बैटरीज का है वो ये कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, यानी कि ओवर द टाइम जो 2-3 बारी आप अपनी लेड एसिड बैटरी चेंज करेंगे अगले 25 साल में, उसकी जो पूरी खट्टी कॉस्ट है वो एक बार ही आपकी लिथियम बैटरी ले लेती है। तो अगर आप एक बड़े प्रोजेक्ट में लगाना चाह रहे हैं जहां पर ज्यादा बैटरी बैकअप आपको चाहिए होती है, वहां पर आप स्पेस बचाने के लिए लिथियम बैटरी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका छोटा ही प्रोजेक्ट है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि लिथियम बैटरी से बढ़िया है कि आप लेड एसिड बैटरी ही कंसीडर कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एक कंपनी के बारे में। गैलो एनर्जी एक सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसके सारे प्रोडक्ट्स 100% इंडियन है। यहां आपको सारे प्रोडक्ट्स एक ही कंपनी में मिल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, सोलर बैटरी एटसेट्रा। इसका फायदा यह होता है कि आपको एक ही कॉल पर सारे प्रोडक्ट्स की सर्विस मिल जाती है, आपको हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कॉल नहीं करनी पड़ती। इस कंपनी का ऑफिस दिल्ली में है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इनके YouTube चैनल का लिंक और इनकी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, तो अगर आपको सोलर प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है तो एक बार आप वो लिंक जरूर चेक कीजिएगा। अब आपको पता चल गया कितने टाइप की सोलर बैटरीज होती हैं और आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। तो अब समझ लेते हैं कितने AH की बैटरी आपको लेनी चाहिए। आपने बैटरी पर देखा होगा, बैटरी पर 120 AH, 150 AH, 200 AH इस तरीके से नंबर लिखे होते हैं। तो AH का मतलब होता है एम्पेयर आर, और इसको सिंपल भाषा में समझें तो यहां से हमें पता लगता है कि ये बैटरी कितना बैकअप देगी और कितने घंटों तक देगी। अब ये डिपेंड करता है आपके घर के लोड पर, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। आप अपने घर के अप्लायंसेस नोट डाउन कीजिए जो आप चलाना चाहते हैं, उन सबको ऐड कीजिए, उनकी जो वॉटेज है वो ऐड कीजिए। मान लीजिए कोई 20 वॉट की चीज आप चलाना चाह रहे हैं, कोई 70 वॉट की चलाना चाह रहे हैं, आपने सबको ऐड किया, कुल मिलाकर 500 वॉट का आपका लोड है जो आप चलाना चाहते हैं।
अब नोट डाउन कीजिए कि कितने घंटे तक आप इनको चलाना चाहते हैं। जैसे आप सारी रात चलाना चाहते हैं, मान लीजिए 10 घंटे आप चलाना चाहते हैं, तो 500 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 5000। अब इस 5000 को आपको डिवाइड करना है 12 से। 12 नंबर कहाँ से आया? आप जो बैटरी खरीदते हैं वो कितने वोल्ट की होती है? 12 वोल्ट की। तो आपको इस 5000 को डिवाइड करना है 12 से। अब आपके सामने जो एक नंबर आएगा ये है 416, और ये क्या है? ये है AH, यानी कि आपको 416 AH की बैटरी चाहिए। लेकिन मार्केट में 416 AH की बैटरी तो होती नहीं, मार्केट में 150 AH, 200 AH ऐसे होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, 150-150 AH की तीन बैटरी आप ले सकते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। तो अब आपको पता चल गया कितनी AH की बैटरी आपको लेनी है। इसी के साथ दूसरी एक और चीज़ लोगों के दिमाग में होती है कि यार कितनी बैटरी लें, एक बैटरी में काम हो जाएगा या दो लें। तो यहां से आपको पता चल गया, अगर आपको 450 AH, 450 AH की बैटरी चाहिए तो तीन बैटरी लगानी पड़ेंगी आपको 150-150 AH की। तो आपको पता चल गया कितनी AH की और कितनी बैटरीज। तीसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है वारंटी। बैटरी के ऊपर 3 साल की वारंटी भी मिलती है, 5 साल की वारंटी भी मिलती है। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जितनी ज़्यादा वारंटी की आप बैटरी लेंगे उतनी बढ़िया उसकी बिल्ड क्वालिटी होती है। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, चाहे आपको थोड़े से पैसे ज़्यादा देने पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा वारंटी वाली बैटरी लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव आती हैं। अगर आपने 3 साल वाली ली और वो जल्दी ख़राब हो गई तो वहाँ पर आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा वारंटी वाली लीजिए, उनमें उनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, वारंटी जो आपको मिल रही है वो नॉर्मल 36 मंथ्स या 60 मंथ्स इस टाइप की वारंटी मिल रही है, या 36 मंथ्स प्लस 24 मंथ्स इस टाइप की वारंटी मिल रही है। क्योंकि जो प्लस वाली होती है इसका मतलब होता है कि बाद वाला जो पार्ट है वो प्रोरेटा वारंटी है। प्रोरेटा वारंटी जो पीरियड होता है उसमें ये होता है कि अगर बैटरी खराब हो जाती है तो आपको ये बैटरी बदलनी पड़ेगी। आप वापस अपने डिस्ट्रीब्यूटर डीलर के पास जाएंगे, वो आपको नई बैटरी देगा, लेकिन बदले में थोड़ा सा अमाउंट भी आपको पे करना पड़ेगा। तो ये प्रोरेटा पीरियड में होता है, ये आपको वारंटी लेते टाइम ध्यान में रखना होगा। लास्ट में आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि आप जिस ब्रांड की बैटरी ले रहे हैं उस ब्रांड की ओवरऑल सर्विस कैसी है, उसकी ब्रांडिंग कैसी है। इसके लिए चलिए आगे कुछ ब्रांड्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ कितनी प्राइस रेंज में उनकी बैटरीज अवेलेबल हैं और कितने एच से लेकर कितने एच तक आपको बैटरी मिल जाएगी। हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर हमने जो ब्रांड रखा है वो है ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस की सोलर बैटरी अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो 20 AH से लेकर 200 AH तक की अलग अलग बैटरी आपको मार्केट में मिलेंगी। इनका जो प्राइस शुरू हो जाता है वो लगभग 4000 से शुरू होता है, और 20000 तक, जो इनकी सबसे 200 AH वाली बैटरी है, तो 20000 तक लगभग उसका प्राइस चला जाता है। इसके अलावा जो इन पर वारंटी मिलती है वो दो टाइप की मिलती है, 36 मंथ्स और 60 मंथ्स। मैंने आपको बताया था ज़्यादा मंथ वाली वारंटी आप कंसीडर कर सकते हैं, अलग अलग होता है, उनका प्राइस भी चेंज हो जाता है। इनमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, 60 मंथ्स वाली जो आपकी बैटरी अगर आप लेंगे तो उसमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 7 से 8 साल तक की होती है, यानी कि 5 साल की वारंटी उस पर आपको मिल रही है, 7 से 8 साल वो बैटरी आपकी आराम से चल जाएगी। तो ल्यूमिनस की बैटरी मैंने नंबर 1 पोजीशन पर इसलिए रखी है क्योंकि ल्यूमिनस काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, इनके जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है। दूसरा, ये काफ़ी पुराना ब्रांड है तो इनका जो सर्विस नेटवर्क है पैन इंडिया लेवल पर काफ़ी स्ट्रांग है। कोई कल कोई इशू भी आपको आता है तो आप इजीली कंप्लेन कर सकते हैं और वो इशू आपका जल्द से जल्द फिक्स हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि कहाँ से खरीदें, तो खरीदने के 2-3 मीडियम हैं। आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं Amazon, Flipkart जैसी वेबसाइट्स पे, या डायरेक्ट ब्रांड की वेबसाइट पे आप खरीद सकते हैं, या अपने घर के आसपास किसी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से भी खरीद सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हर जगह प्राइस चेक कीजिए, जहां से आपको बेस्ट प्राइस मिल रहा है वहां से परचेज कीजिए। डिलीवरी की दिक्कत मत लीजिए, ऑनलाइन भी अगर आप खरीद रहे हैं डिलीवरी की जिम्मेदारी पूरी इन ब्रांड की होती है, कंपनी की होती है। आपके पास तक सही सलामत प्रोडक्ट पहुंचाने की जिम्मेदारी इनकी है, उसके बाद आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो अलग अलग जगह से प्राइस चेक कीजिए फिर आप ऑर्डर प्लेस कीजिए। अगर आप ऑनलाइन प्राइस चेक करना चाहते हैं तो Amazon का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पर काफी सारी बैटरीज अवेलेबल हैं। नंबर 2 पोजीशन पर मैंने जो ब्रांड रखा है वो है UTL। तो UTL ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। इनकी जो सोलर बैटरी की रेंज है वो 40 AH से शुरू हो जाती है और मैक्सिमम 200 AH की बैटरी आपको मिल जाएगी। सेम ये भी 36 मंथ्स और 60 मंथ्स की वारंटी प्रोवाइड करते हैं, दो टाइप की वारंटी प्रोवाइड करते हैं। जो इनकी बैटरी की प्राइस रेंज है वो 8000 से शुरू हो जाती है और 27000 तक जाती है। इसके अलावा जो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बैटरी की वो भी सेम है, 7 से 8 साल की आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी मिल जाएगी, और इनकी बैटरी की क्वालिटी और सर्विस नेटवर्क भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक जो सबसे बेस्ट बात UTL की है वो ये कि ये लिथियम बैटरीज में भी काम करने लगे हैं। तो इनकी सोलर लिथियम बैटरीज मार्केट में आती हैं, लेकिन अभी ज़्यादा डिटेल्स मुझे ऑनलाइन उनके बारे में नहीं मिली जब मैं रिसर्च कर रहा था। तो आपको डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ से भी आप खरीद रहे हैं उनसे एक बार बात करके चेक करनी पड़ेगी। वैसे UTL लिथियम बैटरीज कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका थंबनेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो के बाद अगर आप देखना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ओवरऑल तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं।
नंबर थर्ड पोजीशन पर मैंने जिस ब्रांड की सोलर बैटरी रखी है वो है ओकाया। ओकाया काफ़ी वेल नोन ब्रांड है बैटरीज की जब हम बात करते हैं, तो इनकी जो सोलर बैटरीज हैं उसमें आपको लेड एसिड बैटरीज भी मिलेंगी और लिथियम बैटरीज भी मिलेंगी। जो इनकी लेड एसिड बैटरी की रेंज है वो 20 AH से शुरू हो जाती है और 200 AH तक जाती है, और जो इनकी लिथियम सोलर बैटरीज हैं वो 10 AH से शुरू हो जाती हैं और 120 AH तक जाती है। जो प्राइस रेंज है ये मैं आपको लेड एसिड का बता रहा हूँ, लिथियम का जो इनका प्राइस रेंज है वो आपको इनसे चेक करना पड़ेगा। लेड एसिड बैटरी का जो इनका प्राइस रेंज है वो 5000 से शुरू हो जाता है और 27000 तक इनकी प्राइस जाती है बैटरी की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको सेम मिलेगी और इनका भी सर्विस नेटवर्क ओवरऑल काफी स्ट्रांग है। तो इस ब्रांड को मैंने अपनी लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये लेड एसिड बैटरी और लिथियम बैटरी दोनों ही टाइप की सोलर बैटरीज आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये तीन ब्रांड काफी पॉपुलर हैं इंडिया में सोलर इंडस्ट्री में, और इनका जो नेटवर्क है वो भी काफी अच्छा है। तो अगर आप सोलर बैटरीज लेना चाह रहे हैं तो इन ब्रांड को कंसिडर कर सकते हैं। एक मैं छोटी सी रिकमेंडेशन आप लोगों को दूंगा, आप किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट लीजिए उसमें कोशिश कीजिए कि पैनल, सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी सब एक ही ब्रांड का हो, क्योंकि आजकल काफ़ी ऐसी चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि आप अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, कल को कुछ इशू होता है आप एक ब्रांड के कस्टमर केयर को कॉल करेंगे, वहां से एजेंट आएगा, वो चेक करके कह देगा कि हमारी चीज़ एकदम सही है, दूसरे ब्रांड का जो प्रोडक्ट है इन्वर्टर बैटरी कुछ भी है ये ठीक से काम नहीं कर रहा। अब आप उनके बीच में कॉल करते ही रह जाएंगे, इधर का एजेंट आएगा वो उनकी कमी डाल देगा, उधर का एजेंट आएगा वो उनकी कमी निकाल देगा, यही चलता रह जाएगा। तो कोशिश कीजिए एक ही ब्रांड के सारे प्रोडक्ट आप लीजिए। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी सोलर बैटरीज के ऊपर, ऐसी एक वीडियो हमने सोलर इन्वर्टर के ऊपर भी बनाई है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है सोलर प्रोडक्ट से रिलेटेड या घर पर यूज होने वाले किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से रिलेटेड, चाहे फैन हो, एसी हो, कूलर हो, अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी टाइप की वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।